आ इंडिया पर रामपुर मथुरा कोतवाली क्षेत्र से इस समय बड़ी खबर आ रही है। रामपुर मथुरा थाना इलाके में पति सलाहुद्दीन जो कि टिम्बर व्यापारी और उनकी पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद पत्नी की शिकायत पर पति को पुलिस द्वारा भगवतीपुर पुलिस चौकी पर ले जाया गया। पत्नी का आरोप है कि पुलिस द्वारा उसके पति की पिटाई की गई और तब से वो गायब है। क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम सीधे ले चलते हैं अपने रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास, वो हमें पूरी जानकारी देंगे। तो दुर्गेश क्या बताइए पूरा मामला है? जी मैं प्रियांशु जी आपको बताना चाहूंगा, थाना रामपुर मथुरा इलाके के भगवतीपुर के रहने वाले टिम्बर कारोबारी 48 वर्षीय लगभग सलाहुद्दीन जो अपनी पत्नी से कैसर जहां से कुछ परिवार में कहासुनी हुई थी जिसको लेकर के पत्नी कैसर जहां ने भगवतीपुर पुलिस पिकेट पर एक प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र पर भगवतीपुर पुलिस सलाहुद्दीन को वहां गिरफ्तार करके लेकर आई और उसके बाद में परिवार के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि सलाहुद्दीन को बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने मारा। मारने के बाद फिर कुछ लोग इकट्ठा हुए एक सुलहनामा के लिए कि सुलहनामा कर लिया जाए, फिर जब दबाव बनाया गया सुलहनामा के लिए, लेकिन सुलहनामा पर उनके लोगों के दस्तखत नहीं हो पाए और बीच में ही सलाहुद्दीन को कहीं पर गायब हो गए। अब पत्नी का आरोप है, आज की तारीख में पत्नी सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगा रही है कि हमारे पति को जो कांस्टेबल लेकर गए थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से पेटा पीटा, इसलिए हमारे पति क्षुब्ध होकर के कहीं भाग गए हैं। हमें यह आशंका है कि हमारे पति कोई गलत कदम ना उठा लें। जी दुर्गेश, खबर आ रही कि वहाँ पर जो परिजन है, जो पति पत्नी है और परिजन और लोग वहाँ पे हंगामा कर रहे हैं पुलिस चौकी पे, काफी पुलिस बल भी वहाँ मौजूद है। जी मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियांशु जी कि उसके बाद में एक पूरी तरीके से परिवार के लोग और रिश्तेदार जो भी थे वो पुलिस पिकेट भगवतीपुर पहुंच गए और वहां पर मौजूद थाना अध्यक्ष रामपुर मथुरा चंद्र प्रकाश त्रिवेदी से यह मांग करने लगे कि हमारे पति को ढूंढ करके लाइए, जहां पर आप लोगों ने गायब किया है चाहे जहां से हमारे पति को ढूंढ करके लाइए, जब तक आप हमारे पति को ढूंढ करके नहीं देंगे तब तक हम लोग यहीं पर भगवतीपुर पुलिस पिकेट के सामने बैठेंगे। और हमारे पति को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया है, मारा पीटा गया है, इसलिए हमारे पति गायब हुए हैं। तो अभी भी वहाँ हंगामा चल रहा है क्या दुर्गेश? जी अभी भी, अब आपको बता दें प्रियांशु जी कि इस समय तो हंगामे को पुलिस ने शांत कर दिया है, लोगों को बिठा दिया है समझा बुझा कर और उनके पति को ढूंढने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि थाना अध्यक्ष रामपुर मथुरा जब पुलिस वो और पत्नी उसकी और लोग आए इकट्ठा होकर के, तो थाना अध्यक्ष रामपुर मथुरा उस समय उनकी बात ना सुनने के बजाय सीधे अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ गए। नहीं तो क्या कितने थानों की पुलिस वहां मौजूद है मौके पर? जी अभी तक तो थाना रामपुर मथुरा का पूरा स्टाफ वहां पर मौजूद है और भी पुलिस बुलाई गई है। नहीं जो ये लोग बवाल कर रहे हैं, जो वहां पे हंगामा काट रहे हैं, उनको पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है, क्या बोला गया उनसे पुलिस द्वारा? उनको आश्वासन दिया गया है कि मैं आप लोग परेशान मत हो, मैं जो भी है घटना हुई है और घटना जो सही है या गलत है मैं इसको जाँच कर रहा हूँ और आपके पति को ढूंढा जा रहा है, किसी भी प्रकार से आपके पति को ढूंढ करके शाम को दिया जाएगा। तो रामपुर मथुरा कोतवाली इलाके की भगवतीपुर पुलिस चौकी पर टिम्बर व्यापारी सलाहुद्दीन को चौकी इंचार्ज और जो कांस्टेबल है उन पर पीटने का आरोप लगाया है। उनकी पत्नी कैसर जहां ने, उनका कहना है कि इन लोगों ने, इनकी पुलिस वालों ने पिटाई की, तब से वो शुभ होकर कहीं चले गए हैं और वहां पर हंगामा भी काफ़ी देर तक होता रहा, करीब 2-2.5 घंटे तक हंगामा होता रहा। फिलहाल अभी वहां पुलिस के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, शांत कराकर बिठा दिया गया उनको और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि शाम तक उनके पति को सलाहुद्दीन जो को टिम्बर व्यापारी है उन्हें सकुशल घर वापस पहुंचा दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दुर्गेश। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।